कैसे हो दोस्तों, आज के वीडियो में आपका तहे दिल से स्वागत है। और आज के इस वीडियो में आपको केरेंडिया 10 टेबलेट के यूज, साइड इफेक्ट और गर्भावस्था में यूज के बारे में अच्छी जानकारी देंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी अधिक यूजफुल होने वाला है। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता देते हैं कि इस चैनल को कई दिनों से आप जैसे अच्छे और प्यारे साथी की जरूरत थी, तो आज यह जरूरत पूरी हो चुकी है। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम इसी तरह से वीडियो समय समय पर और अधिक लेकर आते रहें। हमें पता है कि आपका कीमती समय काफी अधिक मूल्यवान है, तो अधिक समय न लेंगे, सीधे वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम केरेंडिया 10 टेबलेट के यूज के बारे में आपको अच्छी तरह से जानकारी दे देते हैं। केरेंडिया 10 टेबलेट एक ऐसी टेबलेट होती है जिसका उपयोग मानव के अंदर होने वाले टाइप 2 मधुमेह से जब क्रोनिक किडनी रोग होता है तब इसका यूज किया जाता है। आपको बता देते हैं कि क्रोनिक किडनी रोग, जिसे हम CKD, एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें किडनी की स्वास्थ्यशाला क्षमता धीरे धीरे गिर जाती है और किडनी सही तरीके से काम नहीं करती। यह रोग व्यक्ति की जीवन शैली, आहार, अवसादन और अन्य बीमारियों के साथ संबंधित हो सकती है, जैसे कि यह टाइप 2 मधुमेह के कारण होती है। मगर विशेष रूप से टाइप 2 मधुमेह के कारण से यह रोग देखने को मिलता है तब केरेंडिया 10 टेबलेट का यूज किया जा सकता है। आपको बता देते हैं कि इसका यूज करने के कारण से कई तरह के फायदे मिल सकते हैं, जैसे कि गुर्दे की क्षति को धीमा करने में यह दवा काफी अधिक फायदे होती है। वहीं पर यह हृदय मृत्यु को भी रोकने का काम करता है। यानी केरेंडिया 10 टेबलेट का उपयोग करने के कारण से दिल के दौरे और दिल की विफलता के जोखिम को कम कर दिया जाता है। तो इस तरह से टाइप 2 मधुमेह से जुड़े क्रोनिक किडनी रोग वाले वयस्क को यह दवा लेने की सलाह डॉक्टर के द्वारा दी जाती है। मगर आप जब भी इस दवा का यूज करें तो बिना डॉक्टर की अनुमति से इसका यूज न करें, और यह बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। अब हम इस दवा के कारण से होने वाले साइड इफेक्ट के बारे में भी बात कर लेते हैं। अगर आप या आपका कोई अपना केरेंडिया 10 टेबलेट का यूज करता है तो ऐसे में हो सकता है कि किसी तरह का साइड इफेक्ट देखने को मिले। हालांकि आपको बता देते हैं कि यह जरूरी नहीं है कि साइड इफेक्ट देखने को ही मिलेंगे। हालांकि कुछ ही लोगों में साइड इफेक्ट नजर आ सकते हैं, और यह कुछ इस तरह से है। एलर्जी के रूप में साइड इफेक्ट, जीभ या गले में सूजन, अंदर सांस लेने में दिक्कत होना, चेहरे होठ पर सूजन होना, इसके अलावा कमजोरी, अनियमित दिल की धड़कन होना, मतली, सीने में दर्द, सिर दर्द, याददाश्त में समस्या आदि तरह के साइड इफेक्ट नजर आ सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह का साइड इफेक्ट नजर आता है तो उसी समय अपने डॉक्टर के पास जाएं और इस बारे में बात करें। इसके अलावा दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि केरेंडिया 10 टेबलेट यूज इन प्रेगनेंसी, यानी गर्भावस्था के अंदर केरेंडिया 10 टेबलेट का यूज किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता है, इसके बारे में आपको अच्छी जानकारी दे देते हैं। यदि आप एक गर्भवती महिला हैं या फिर गर्भवती होने की योजना बना रही हैं, तो आपको बता देते हैं कि इस अवस्था के अंदर केरेंडिया 10 टेबलेट का यूज करने से पहले आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इस बारे में बात करनी चाहिए। इसके साथ ही यह भी ध्यान रखें कि बिना डॉक्टर की अनुमति से इस दवा का यूज न करें, क्योंकि इस दवा का यूज किया जाएगा तो नुकसान हो सकता है। दरअसल गर्भावस्था के दौरान केरेंडिया 10 टेबलेट का इस्तेमाल करना असुरक्षित हो सकता है, इसी कारण से बिना डॉक्टर की अनुमति के आपको इसका यूज नहीं करना है। बल्कि हम तो यही कहेंगे कि चाहे आप गर्भवती हो या फिर किसी अन्य तरह से इसका यूज कर रहे हो, तो आप बिना डॉक्टर की अनुमति के इसका यूज न करें। आज की इस केरेंडिया 10 टेबलेट के वीडियो में बस इतना ही। अंत में आपसे निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारा हौसला बढ़ सके और हम आपके लिए और भी अधिक वीडियो समय समय पर अधिक से अधिक बना सके। अगर जानकारी उपयोगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके, बाय बाय, मिलेंगे अगले वीडियो में। खुश रहें, स्वस्थ रहें।